हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एक्मे स्मार्ट इनोवेशंस। आज इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने इन दोनों ट्रायंगल्स का पेरीमीटर निकालना है। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द टू ट्रायंगल्स। यहां पर हमें ये दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ट्रायंगल वन ट्राइंगल टू। हम देख रहे हैं फिगर डिनोट्स कि ये दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। बोथ ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल। तो लेट अस रिज्यूम कि ट्राइंगल वन की साइड है एक्स। ट्राइंगल वन की ऑल थ्री साइड्स आर एक्स और ट्राइंगल टू की साइड है वाई। तो ऑल थ्री साइड्स आर वाई। यहां हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ द बेस ऑफ द ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 15 मीटर। तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 मीटर्स। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू 3x। पेरीमीटर ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज इक्वल टू 3y। नाउ वी हैव टू फाइंड the sum of the perimeters of two triangle. Now, the sum of the perimeters is equal to 3x plus 3y. We can write it as 3 is common. हम 3 common ले लेंगे और bracket में लिखेंगे x प्लस वाई। वी नो दैट प्लस वाई इज इक्वल टू 15 मीटर्स। हियर इट इज गिवन दैट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15 मीटर्स। तो वी कैन राइट 3 एंड इन द ब्रैकेट वी कैन राइट 15, because x plus y is equal to 15. So the answer is 15 cross 3, 45. So the sum of the perimeters of both triangles is equal to 45 meters. यहाँ पर हमारा दोनों triangles का sum 45 meters आया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू।